अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, व्यूवर्स आप देख रहे हैं अंसारी फैशन टीवी और आज हम मौजूद हैं गुरलू टेलर पर जो के इसहाक मार्केट में वाकई दुकान। तो आइए चलते हैं, यहाँ पे हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं रईस भाई, उनसे बातचीत करते हैं और देखते हैं कि वो क्या चीज़ें सी रहे हैं। तो व्यूवर्स, हमारे बहुत सारे दोस्तों ने हमसे शिकवा किया था कि आप जब आपने अपने चैनल का नाम अंसारी फैशन रखा है तो आप सिर्फ लेडीज़ के फैशन के बारे में बताते हैं, हमारे बारे में आप कुछ नहीं बताते। तो आज हम इनको एक जेंट्स टेलर पे लेकर आए हैं और हम दिखाएंगे कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें सिलाई होती हैं। पहले आपको एक ओवर लुक दे दें दुकान का। तो व्यूवर्स, यहाँ पे तकरीबन हर किस्म की स्टिचिंग की जाती है, शलवार कमीज़, कुर्ता पजामा, पैंट शर्ट, वाइस कोट और टू पीस। तो व्यूवर्स, आपने देखा कि बहुत ही फैंसी किस्म की सिलाई हुई हुई है और आपको दिखाते हैं कि ये हमारे अकरम भाई हैं जो सिलाई का काम करते हैं। अकरम भाई, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अकरम भाई, क्या सूरत है आले काम की? इसी में बताना है, क्यों बताना? अल्हम्दुलिल्लाह, सूरत हाल सही है काम की, अल्लाह का शुक्र है जी। अच्छा, तो आजकल फैशन में क्या चीज़ ज़्यादा तरीन है? शलवार कमीज भी चल रही है, अपना पैंट कोट भी है। अच्छा। शर्टे भी हैं और शेरवानी के साथ पूरे सूट चल रहे हैं, शादी ब्याह के सूट हैं। शादी ब्याह के ये सब सूट साथ हैं। तो व्यूवर्स, आपने देखा कि अकरम भाई बता रहे थे कि तकरीबन सब चीज़ें चल रही हैं, तो हम आपकी बात करवाते हैं रईस भाई से जो के दुकान के ओनर भी हैं और माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त कटिंग करते हैं और सिलाई भी बहुत अच्छी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रईस भाई, खैरियत से हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक हैं जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। रईस भाई, आजकल फैशन में क्या चीज़ ज़्यादा तरीन है? आजकल फैशन में तो अगर शादियों का होता है तो शादियों के लिए जाहिर सी बात है फैंसी सूट बनते हैं, कोट पैंट। ज़्यादातर फैशन में लोग कमीज सलवार के ऊपर वेस्टकोट वेयर कर रहे हैं और नॉर्मली यूज़ के लिए कमीज सलवार सिलवा रहे हैं। और आजकल रईस भाई, फैशन में कौन सा कपड़ा ज़्यादा इन है? फैशन में ज़्यादातर कपड़ा आजकल जो पहना जा रहा है वॉशिंग वेयर पहना जा रहा है, ट्रॉपिकल स्टाइल के जो कपड़े होते हैं, और कॉटन अभी कम हुआ हुआ है क्योंकि अब आगे जो गर्मियों का सीज़न लगने वाला, तो इसमें जाहिर सी बात है कॉटन कम हो जाएगा। अलबत्ता बारीक कॉटन आता है तो वो इस्तेमाल ज़्यादा कर लेते हैं लोग, लेकिन वॉशिंग वेयर ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, गर्मियों में कॉटन इस्तेमाल होता है जी, और जैसे मौसम चेंज होता है तो वॉशिंग वेयर ज़्यादा। तो रईस भाई, कुछ हमारे व्यूवर्स को दिखाएं क्या चीज़ें आपने बनाई हुई हैं। देखिए, बनाने के लिए तो वो मसला ये है कि मेरे सारे डिज़ाइन जितने भी, मेरे एक पेज बना हुआ है गुलरू टेलर के नाम से फेसबुक के ऊपर। जी हाँ, फेसबुक के ऊपर अगर आप उसको सर्च करेंगे तो उस पर तमाम मेरे डिज़ाइन जो है मैं उस पर अपलोड कर देता हूँ। तो व्यूवर्स, आपने देखा कि रईस भाई का एक पेज है फेसबुक के ऊपर जिसका नाम है गुरलू टेलर। तो हमारे तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि उसको फॉलो करें और अगर उन्हें स्टिचिंग के बारे में जो भी मालूमात चाहिए वो उस पेज से आपको मिल जाएगी। और रईस भाई, सिलाई के अंदर दिखाएं कोई नई चीज़ जो बनी हुई हो। सिलाई में कुछ थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सा आजकल टच चल रहा है, ज़्यादा अवर तो डिज़ाइन बन नहीं रहे। अच्छा, इसी टचिंग वाले काम चल रहे हैं, कुछ इस तरह के काम चल रहे हैं, बाकी और बहुत सारे काम रखे हैं। ये शर्ट जी ब्लैक ज़रा खड़ी करके दिखाएं रईस भाई, ये अभी फिनिश नहीं है, बगर, अच्छा, बगर अच्छा, अच्छा। ये अभी समझ ले मशीन पे से उतर के आपके यहाँ पे रखी हुई है। ये बाकी कपड़े भी जिस तरह रखे हुए हैं ये अभी फिनिशिंग होगी इसकी।
तो व्यूवर्स आपने देखा कि स्टिचिंग का जितना भी काम है वो तकरीबन यहाँ पे किया जाता है, और रईस भाई जो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं ये शॉप उनकी है, और अगर आपको उनसे किसी किस्म का रابطہ करना है तो हम आप इनका कॉन्टेक्ट नंबर आपको देंगे, और डिस्क्रिप्शन में हम इनका कॉन्टेक्ट नंबर डालेंगे। तो व्यूवर्स हमारे चैनल अंसारी फैशन टीवी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। Thank you.